और उससे उसका प्रभाव हम पे भी पड़ता है। पहले सबसे बड़ी बीमारी जो हम पर आई वो कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस ने सारा कुछ बैठा दिया, सारा ट्रेड बैठ गया, सब कुछ बैठ गया। लोग जहाँ 50,000 नौकरियाँ लगनी थी वहाँ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा पड़ोस की भी हालत ठीक नहीं है, क्या उसमें अफगान का कुछ इम्पैक्ट है? मुझे बताइए कौन सा पड़ोसी जो है वो इस वक्त ठीक हालत में बताइए मुझे। हमारे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, उनके हालात कैसे हैं? कोई भी हमारा जो पड़ोसी है उसके हालात हम ये कहें कि बिल्कुल ही सामान्य हैं वो नहीं। उसमें अफगान का इम्पैक्ट है जो मौजूदा वहाँ पर सूरत हुई है? आप लोग अफगान के ऊपर तो जरूर कहेंगे, आप लोग क्योंकि तालिबान का आप जिक्र नहीं करते, आप अफगान की बात करते। तालिबान का असर तो जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ पड़ेगा, कितना अमेरिका पे पड़ेगा, कितना रूस पे पड़ेगा, कितना चीन पे पड़ेगा, क्या पता, कोई पता नहीं। यहाँ के हालात के हवाले से अगर देखेंगे, जो आपने कहा यहाँ के सरपंच पंचेज की उनकी सिक्योरिटी की आपने अभी बात की, कि आपने कहा मिलिटेंसी अभी भी है और उसके हवाले से नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था निर्मल सिंह जी से, 5 तो बीजेपी के मारे गए, अपना पार्टी का एक आदमी मारा गया, खुदा जाने आगे क्या होगा। और अगर पंचायत या डीडीसी मेंबर या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उन्हें काम करना है, उन्होंने आगे चलना है, तो उसके लिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और जब तक उनकी सिक्योरिटी, आप कैसे वो काम करेगा, पंचायत मेंबर कैसे काम करेगा, कैसे पहुंचेगा वो अपने गांव में? सर एक 5 अगस्त 2019 को जो कहा गया था भारतीय संसद में कि बहुत कुछ बदलेगा, 2 साल से ज़्यादा हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्या कहूँगा, आपको खुद देखना चाहिए कि कितना बदला है, कितना बदलाव हुआ है। हमारी क्या स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है, हमारे